तो यार आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ आपको स्प्रे कैन कैसे बना सकते हैं घर पे। तो ग्रो वेस्ट इन टाइम लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले मैं खाली स्प्रे कैन का यूज़ कर रहा हूँ। तो यार इसमें आपको ध्यान रखना होगा इसमें कोई भी गैस नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको चेक कर देता हूँ तो यार देख सकते हो इसमें से यार कोई भी आवाज़ नहीं आ रही। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे काला हीट का भी यूज़ कर सकते हो यार, लेकिन उसको चेक करना होगा आपको। उसके अंदर यार कोई भी गैस नहीं होनी चाहिए। अगर गैस होगी तो यार उसमें स्पार्क भी हो सकता है या फिर वो कैन में फट भी सकता है। यहाँ पर मैं डील मशीन का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपने डील मशीन वाली वीडियो नहीं देखी तो यार जाके देख लो। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं फिर से कह रहा हूँ आपको इसके अंदर यार कोई भी गैस नहीं होनी चाहिए। अगर गैस हुई तो यार इसमें कैन में आग भी लग सकती है यार, या ब्लास्ट भी हो सकता है ये। तो इस तरह से आपको होल करना है। यहाँ पे होल करने के बाद यहाँ पे मैं सैंड पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको चारों तरफ से आपको रफली कर देना। मैं रफली यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसके अंदर यार आसानी से सोल्डिंग हो सके। तो इस तरह से आपको इसको चारों तरफ से रफली कर देना है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं साइकिल वाल का यूज़ कर रहा हूँ जो कि मैंने 5 रुपये में ख़रीदा है साइकिल वाले की शॉप से। तो आपको इस तरह से इसको ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद जो कोना वाला हिस्सा है इसको आपको कटिंग करना है। आप चाहे तो यहाँ पे हेक्सा ब्लेड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ग्लेंडर का यूज़ कर रहा हूँ। ये भी मैंने घर पर बनाया, इसकी वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो यार। तो फ्रेंड इस तरह से इसको कटिंग करने के बाद आपको जो इसको नीचे वाला ऐसा इसको थोड़ा सा रफली करना होगा। तो यहाँ पे मैं ग्लेंडर का यूज़ कर रहा हूँ तो इसको थोड़ा घिस देता हूँ मैं यहाँ पे। आप सैंड पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं मैंने साइकिल वॉल को चारों तरफ से रफली कर दिया और मैं इस कैन को ऊपर लगाने वाला हूँ। तो इस पर फटाफट से सोल्डिंग आयरन का यूज़ करते हुए इसके चारों तरफ आपको सोल्डिंग कर देनी है। तो यार इस तरह से सोल्डिंग करने के बाद जो हमारा साइकिल वाला वाल है उसके ऊपर भी आपको सोल्डिंग कर देनी, चारों तरफ से स्मूथ सोल्डिंग करनी है। गाइस आप रफली करोगे तो यहाँ से आपकी एयर भी लीक हो सकती है। फ्रेंड आपको साइकिल वाल को बिल्कुल भी टच नहीं करना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट मार रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लायर का यूज़ किया था। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्प्रे कैन लिया और उसके ऊपर ये वॉल रख के इसके चारों तरफ मैंने सोल्डिंग कर दी है। तो इस तरह से आपको सोल्डिंग करने के बाद यहाँ पे मैं एमसील का यूज़ कर रहा हूँ और इसके चारों तरफ आपको लगा देनी है। मैं एमसील का यूज़ यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसमें से यार हमारी कोई भी एयर ना लीक हो सके। उसके बाद यहाँ पे मैंने कटर का यूज़ करते हुए उसको कटिंग कर दिया और स्केल से इसकी चारों तरफ से इसको मैंने फिनिशिंग दे दी है। तो फ्रेंड इसको मैं सूखने के लिए रख रहा हूँ। इसको 2 से 3 घंटे के लिए आपको सूखने के लिए रखना है जब तक हम बना लेते हैं कलर। तो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर का यूज़ कर रहा हूँ और तारपिन का यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले ब्लैक कलर को ओपन करना है यहाँ पे और उसके बाद आपको बीकर का यूज़ करते हुए इसके अंदर ब्लैक कलर फिल करना है और यहाँ पे तारपिन का यूज़ करना है आपको ताकि कलर हमारा पतला हो सके। अगर यार आप गाढ़ा रखोगे तो यार कलर बिल्कुल भी स्प्रे कैन से बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको शेक भी कर रहा हूँ हल्का सा। तो शेक करने के बाद जो साइकिल वाला वॉल है वहाँ पे मैं इसको बनने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं इंजेक्शन का यूज़ करते हुए इसके अंदर कलर आपको फिल करना है। तो आपको पूरा कलर फिल करना है इंजेक्शन की हेल्प की मदद से। तो यहाँ पे मैं साइकिल वॉल का यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको इस तरह से साइकिल वॉल को फिट करना है और यहाँ पे इसका जो ढेबरी है उसको आपको टाइटली कस देना है। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ छत पे और यहाँ पे मैं साइकिल पंप का यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको आपको इस तरह से फिट करना है और इसके अंदर भाई एयर आपको फिल कर लेनी है। तो फ्रेंड इसके अंदर मैंने हवा भर दी और ये बिल्कुल टाइटली हो चुका है कैन को। तो आपको हल्का सा शेक करना है। शेक करने के बाद यहाँ पे मैं लकड़ी का यूज़ कर रहा हूँ। तो देख सकते हो मैं लकड़ी पे स्प्रे करने वाला हूँ। तो यार देख सकते हो कितनी आसानी से यार इसने स्मूथली इसके ऊपर पेंट कर दिया यार। तो मैं आपको इसकी दूसरी तरफ भी कलर करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हो यार। तो फ्रेंड यार इसके लिए तो यार एक लाइक तो बनता ही यार। तो यार आपको वीडियो कैसी लगी है यार मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। जब तक के लिए बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।